और ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सीधा सीधा आपको जो शर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। और हम आज मिलेंगे और देखेंगे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे 45 मशीन एट ए टाइम 2000 पीस रोज निकलती है, ये देखिए। और यहाँ के जो ऑनर है इनसे मिलने वाले मिस्टर मिलिंद से, और ये आपको बताएंगे पूरी जानकारी इनके पास आपको देने के लिए क्या है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिलन है और मैं मिस्टर लालित क्लोथिंग के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारे कंपनी में हम लोग एक्सपोर्ट्स और लोकल्स का सब ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास यहाँ पे जो पैटर्न्स है वो भी हम लोग सब कैड में बना के ले रहे हैं। तो फरमाए पूरा, ये पूरा पैटर्न्स है यहाँ पे आपको एकदम कैड में बनाए मिलेगा, ताकि यहाँ पे कोई भी आपका काम जो भी होगा वो एकदम प्रॉपर होगा। हम लोग पैटर्न्स लेने के बाद जाता है कटिंग टेबल पे। ये हमारा 8 मीटर का कटिंग टेबल है, ऐसे हमारे पास दो कटिंग टेबल्स है। कटिंग एक टेबल ये है और एक टेबल पे वहां बीच है, हां वो एक टेबल है। यहाँ पे हमारे पास सब स्पेशलाइज मशीन है, जैसे कि हमारे पास वो कटिंग मशीन है, ऐसा दो कटिंग मशीन है, एक हैंड कटिंग मशीन है। ये हमारा यहाँ पे लेयर लग रहा है, अभी मास्टर है हमारे, वो लेयर लगा रहे हैं। लेयर लगाने के बाद यहाँ पे हमारा एज कटर भी है, जिससे हम लोग जो सेल्वेज प्रॉपर हो जाए, कटिंग प्रॉपर आए, इसके लिए हम लोग ये स्पेशलाइज मशीन यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वहाँ पे, ये हमारा काम होने के बाद हमारा कटिंग होता है। कटिंग इस तरह से हम लोग रखते हैं प्रॉपरली, ये हमारा कटिंग रखा हुआ है। ये कटिंग करके हम लोग इसको सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करने के बाद इसका बंडलिंग करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, फिर हम लोग कारीगर को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं 45 मशीन एट टाइम पे यहाँ पे काम होता है, और ये बहुत बड़ी यूनिट है मुंबई के अंदर भिवंडी। तो एक बार आप जरूर आइए और यहाँ पर पूरा जो है ना तो प्रोसेस आपको बताया जाए सर के थ्रू, तो पूरा समझिए। यहाँ पे बंडलिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो स्पेशलाइज कंसाई मशीन है हमारे पास, वो कंसाई मशीन पे हम लोग उसका प्लैकेट मारते हैं। तो फिर वापस हम लोग का जाता है कारागिर के पास। कारागिर यहाँ पे हम आप देख सकते हो, कारागिर यूनिट पूरा फुल है, ये देखिए। तो वहां से हमने एंट्री किया था और यहाँ से देखिए पूरे मशीन पे लोग काम कर रहे हैं और हर एक मशीन ऑक्यूपाइड है। पूरा मशीन यहाँ से पीस हो जाने के बाद हमारे पास वापस स्पेशलाइज तीन मशीन है फीड ऑफ पंप का, वहाँ पे हम लोग करके पीसेस को यहाँ से आउट कर लेते हैं। मतलब हर एक मशीन पे कुछ कुछ काम हो रहा है, जहाँ पॉकेट बन रहा है, कभी स्लीव बन रहा है, कभी क्या क्या हो रहा है, क्या प्लेटिस लग रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरा शर्ट बन रहा है हमारे। यहाँ पे हम लोग स्पेशली केयर करते हैं कॉलर्स के लिए, ये हमारा खुद का ब्रांड है मिस्टर लाले क्लोथिंग। ये अपना पीसेस अभी बन रहा है यहाँ पे। सर आप एफओबी करते हैं? FOB भी करते हैं हम लोग और जॉब वर्क भी करते हैं। जॉब वर्क स्पेशली हम लोग एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, लोकल डोमेस्टिक के जो लीडेड ब्रांड है उनके साथ भी कर रहे हैं। अच्छा, जो इंडियन लीडिंग ब्रांड है उसके साथ भी आप FOB कर रहे हैं? नाम डिस्कस कर पाएंगे आप? नहीं, हम लोग नाम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ चीजें हम लोग को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे पूरा पीसेस आउट होने के बाद ये स्पेशलाइज मशीन है सब, यहाँ पे बटन्स मारे जाते हैं, एज कटर लगी हुई है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको सीधा यूनिट से शर्ट मिलने वाला, अगर आप एफओबी करना चाहते हैं तो खुद का। और सर बताइए मिनिमम क्वांटिटी क्या लेनी पड़ेगी? मिनिमम क्वांटिटी अपना रहेगा 500 पीसेस पर कलर के, ईच स्टाइल कलर कितने भी रहेंगे तो भी चलेगा, बट मिनिमम क्वांटिटी स्टिचिंग के लिए हमको 500 पीसेस चाहिए। उसमें स्टाइलिंग्स अलग अलग हो गए तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो सर आपका कोई क्यूसी चेक वगैरह होता है कि डायरेक्ट? या मैं आपको वो नेक्स्ट यूनिट में हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आइए अपना फिनिशिंग यूनिट में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ओके, ये हमारा फिनिशिंग यूनिट है जहाँ पे हमारा चेकिंग पैकिंग ये सब प्रॉपरली होता है। मतलब पैकिंग या हो रहा है तो क्यूसी हो रहा है, क्यूसी हो रहा है, यहाँ पे टैगिंग हो रही है। ओके, जो एक्सपोर्ट ब्रांड है हमारा उसके लिए हम लोग टैगिंग कर रहे हैं ये सब चीजें। ओके, मतलब ये एफओबी का माल है? ये एफओबी का माल है अपना। अपना यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग चेकिंग करते हैं, एक रैंडम चेकिंग होता है, फिर उसके बाद वापस फाइनल चेकिंग होता है, और थर्ड टाइम हम लोग एकदम फाइनल चेकिंग करते हैं। मतलब तीन बार क्यूसी होता है? तीन बार हम लोग क्यूसी करेंगे। यहाँ पे क्यूसी होने के बाद सीधा पीस प्रेस में आ जाएगा। हमारे पास चार प्रेसिंग टेबल्स है, एक दो तीन और ये चार प्रेसिंग टेबल है, सब ऑल स्टीम प्रेसेस है। यहाँ पे आपको व्हाइट पीस हमारा जो पैक हो रहा है वो दिख रहा है। ओके, मतलब यहाँ प्रेसिंग होती है,
और पैकिंग साथ ही यहाँ हो जाती पैकिंग हो जाती है और पैकिंग होने के बाद यहाँ पर भर जाता है, यहाँ पे भरे जाएंगे पन्नी। हाँ। और ये इनका खुद का ब्रांड है, अभी देखिए ये हमारा खुद का ब्रांड का भी चालू है। अगर आपने वो भी करवाना तो मिनिमम क्वांटिटी 500 पीस होना चाहिए। और सर तो मिनिमम रेट क्या रहेगा? जो हमारे कैजुअल्स के शर्ट्स है उसका हमारा 85 से स्टार्ट होता है और हम लोग का 130 तक का है, डिपेंड ऑन स्टाइल एंड पैटर्न्स। तो लास्ट रेट है 130 तक हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ पीसेस दिखाऊंगा। तो सर आपका जो मिस्टर लाले है, आप जो कह रहे हैं आपको प्रीमियम क्लोथिंग का, उसका कोई ब्रांड बॉक्स है क्या? या, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा मिस्टर लाले क्लोथिंग का ये बॉक्स है। ओके, हम लोग का ये प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स देख सकते हो। क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। ये बॉक्स है, इसका MRP लगा हुआ है। ओके सर, बॉक्स को बनेंगे सर, एक मिनट ये देखिए बहुत ही, यहाँ पे देखिए टैग लगा हुआ है, यहाँ पे टैग लगा हुआ है, यहाँ पे सफाई से काम किया हुआ है, यहाँ पे इनका ब्रांडिंग का नाम है। सर ये जो आपको ब्रांड है मिस्टर लाले, ये रजिस्टर्ड ब्रांड है? यस, ये रजिस्टर्ड ब्रांड है हमारा। ओके, फिर कुछ कैजुअल्स के पीसेस आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ कैजुअल्स के पीसेस है, सर पीसेस दे सकते हो? मतलब इस पैटर्न के अंदर मुझे 500 पीस लेने होंगे, एनी साइज, एनी कलर। ये हमारा कैजुअल्स का पैकिंग इस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, अरे ML XL डबल XL, हाँ सब सेट बना के हम लोग उसको। आप बोल रहे हैं FOB करते हैं, तो ये एक स्टाइल के अंदर 500 पीस लेना पड़ेगा? हाँ, एक स्टाइल उसमें क्वालिटीज और पैटर्न्स आपके अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक स्टाइल में मिनिमम हमको 500 पीस चाहिए। अच्छा, डिफरेंट कलर्स। फिर यहाँ पे पूरा पैकिंग होने के बाद, सॉर्टिंग होने के बाद हम लोग पैकिंग करते हैं और ये माल हमारा रेडी टू डिस्पैच है। अच्छा, ये किसी क्लाइंट का है? मतलब किसी ये मिस्टर लाले के, हमारा खुद का ब्रांड का है, अभी ये रेडी टू डिस्पैच है। ये यहाँ से अभी हमारे वेयर हाउस में जाएगा। ओके, ये देखिए जो क्वालिटी है ना बॉक्स की, बहुत ही प्रीमियम है। ये देखिए, ओके, ये सब डिस्पैचिंग में रखा हुआ है। ये रेडी फॉर डिस्पैच है। ये देखिए सर, ये तो हमने आपका देखा यूनिट जहाँ पे आपकी पूरी शर्ट बंद है, सिलाई हो रही है, पर आपको कोई वेयर हाउस भी है जहाँ देख सकते जहाँ पे आपको पूरा माल स्टॉक किया हुआ है? यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ से ये रेडी कर दिया। हाँ। अभी ये रेडी फॉर डिस्पैच है, ये हमारे वेयर हाउस में जाएगा। ओके, वेयर हाउस में आपको पूरा दिखाया जाएगा कि हम लोग किस तरह से स्टोरेज करते हैं उसको, स्टाइल वाइज, क्वांटिटी वाइज, जैसे हमारे कस्टमर्स का ऑर्डर आता है हम लोग वहाँ से डिस्पैच करते हैं, आपको आगे का जर्नी के लिए हमारे वेयर हाउस में लेके जाते हैं। ओके, तो अभी मैं दिखाता हूँ हमारा 8000 स्क्वायर फीट का गोडाउन जहाँ पे रेडी टू डिस्पैच माल मैं दिखाने जा रहा हूँ। अभी रेडी टू डिस्पैच है ये सब, आप देख सकते हो। ये देखो, ये अभी टोटल 30-35 बेल, 45 बेल पर डे रिलीज होता है हमारा। ये देख सकते हो हमारे पट्टे लगे हुए घाटों पे। ये जो भी ट्रक भरा उसे आपका माली है? यस यस, ये भी हमारा माली है। कैसे मालूम पड़ता है आपका माल है सर? ये देखो, अभी जो पट्टा है, ये पट्टे के ऊपर हमारा सिंबल्स है। देखो, ये पट्टे के ऊपर हमारा सिंबल है मिस्टर लाले। हाँ, मिस्टर लाले। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में एक बार माल चला जाता है तो घाट खोने का डर नहीं रहता है। ओके, तो इससे मालूम पड़ता है कि आपके ही सारे पूरा प्रोडक्ट। यस यस, ये हमारे प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको मेरा वेयर हाउस विजिट करवाता हूँ, आप आइए। अभी आप देख सकते हो मेरा वेयर हाउस थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन क्या है कि अभी दिवाली तक अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं थोड़ा और बड़ा वेयर हाउस लेने की। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे पूरा ये रेडी टू डिस्पैच माल है। रेडी टू डिस्पैच, हाँ ये रेडी टू डिस्पैच है पूरा। ये देखो, ये पूरा अभी गठन पैक होगी इनकी। ये लाइक्रा है, यस ये लाइक्रा, ये सब प्रीमियम वेयर है। प्रीमियम वेयर, हाँ ये सब प्रीमियम वेयर है। इनकी रेंज 400 प्लस है। ओके, इनकी रेंज 400 प्लस है और हम ज्यादा करके प्रीमियम वेयर में ही काम करते हैं। ओके, ये देखो, ये पूरा रेडी टू डिस्पैच है। मतलब ये 8000 स्क्वायर फुट का आपको वेयर हाउस में लेके आया हूं मैं, सिर्फ इनका ही ब्रांड यहाँ पर। वो देखिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, अभी भी यहाँ काम चल ही रहा है। हाँ, काम चल ही रहा है। ये देखो, अभी ये सब डिजिटल प्रिंट अभी काफी चल रही है। देखो, ओके, और अभी किसी पार्टी का माल भी भरा जा रहा है। देखिए, यहाँ से माल भर रहे हैं और यहाँ से पूरा गठन कट के नीचे ट्रांसफर हो रहा है। ओके सर, ये देखो अभी जो बॉक्स पैकिंग का जितना भी माल है वो पूरा ऊपर स्टोर करते हैं हम लोग। ओके, ये कम अंदर क्या होते हैं, अंदर ले चलिए। अंदर भी ये देखो, ये इतने बड़ा वेयर हाउस, ये पूरा कैजुअल से कैजुअल का माल है ये पूरा नीचे, और ऊपर जो दिख रहा है आपको ये पूरा फॉर्मल का माल है।
सिर्फ हम फॉर्मल से बनाते बॉक्स पैकिंग में, फॉर्मल एमएल एक्सएल डबल एक्सएल साइजेस में, 3XL 4XL सिर्फ और सिर्फ व्हाइट में। और व्हाइट में अगर आपको समझो एम का अगर 20 पीस चाहिए व्हाइट में, सिर्फ एम का, तो मैं हम एम का भी आपको दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एमएल एक्सएल डबल एक्सएल लेना पड़ेगा व्हाइट में। अच्छा, बाकी सब में ऐसा पैर है एम से लेके डबल एक्सएल या फिर एम से लेके 4XL। ओके, और ये पूरा कैजुअल का, ये भी थोड़ा खाली हो गया गोडाउन। अभी जैसा जैसा फैक्ट्री में माल रेडी होता है वैसा हम लोग यहाँ पे स्टोर करते जाते हैं। तो सर आप मुझे बताइए प्राइसिंग क्या होगी, आपकी प्राइसिंग कहाँ शुरू होती है और कहाँ पे एंड होती है, और आपके जो फॉर्मल की उसके रेट क्या, जो प्रीमियम की उसके रेट क्या है? बराबर, हमारा अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ही रेंज है। प्रीमियम रेंज 335 से चालू होती है, हमारी रेंज 335 से चालू होती है, ये जाती है 600 तक। ओके, लो रेट का माल जो है वो 250 से लगा के 335 के बीच में। अच्छा, हाँ, लेकिन हम लोग प्रीमियम ब्रांड के लिए ही जाने जाते हैं मार्केट में। हमारा फिलहाल जो मार्केट कैप्चर किया हमने, ऑफलाइन मार्केट है वो ऑल ओवर महाराष्ट्र में। ओके, हाँ, महाराष्ट्र में। तो सर अगर समझिए आपके ब्रांड का कोई किसी को माल चाहिए मिस्टर लाले का, तो मिनिमम परचेस क्या होना चाहिए? मिनिमम परचेस उसका 60 पीस मिक्स में होना चाहिए। 60 पीस की एक गठान बनती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी सप्लाई हो जाएगा। मिक्स बोलो तो मतलब सेट वाइज नहीं? हाँ, सेट वाइज एमएल एक्सएल डबल एक्सएल का सेट होता है। हर पैटर्न में 6-6 कलर है, किसमें 3 कलर है, कलर आप चॉइस कर सकते हो, किसमें 6 रहेगा तो उसमें 3 कलर आपको कंपलसरी है। अच्छा, और सर अपना गारंटी पूरी है अब कपड़े की? पूरी गारंटी वॉश की। आपने भी देखा रहेगा वहाँ पे, फैक्ट्री विजिट किया होगा वहाँ पे, कितनी बार चेक होके माल पास होता है, तब तक फिनिशिंग होता है। हाँ, तो आप उसका चिंता मत कीजिए, उसके लिए हम बैठे हुए। बाकी और देखो आप, मैं आपको और स्टॉक दिखाता हूँ, कुछ कैजुअल्स का स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, अभी थोड़ा यहाँ पे लाइट का इशू है। ओके, ये देखिए, आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आप समझिए कि इतने बड़ा वेयरहाउस के अंदर आपका पूरा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी वो निकलने वाला है। देखिए, ये देखो, ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा लाइट का इशू है तो थोड़ा सा प्लीज बैठ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक हमारे पूरे सैंपल बैग की एक झलक दिखा देता हूँ। अच्छा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि क्या मतलब फिनिशिंग और उसकी क्वालिटी की आइडिया आ जाएगी। सर मैंने वहां पे एक बड़ा बॉक्स देखा, बड़ा बॉक्स क्या है, व्हाइट कलर में? वो व्हाइट का बॉक्स है, जो व्हाइट का माल आता है व्हाइट का माल इसमें पैक करते हम। सिर्फ व्हाइट का माल? सिर्फ व्हाइट का माल। ओके, क्योंकि उसको व्हाइट में क्या काफी कंपटीशन है मार्केट में, तो हमें हर वैरायटी देख के चलनी पड़ती है। तो पीस कितने आते हैं उसमें? 10 पीस का पैकिंग है ये सिर्फ 10 पीस? हाँ, ये 10 पीस का खाली पैकिंग है। अच्छा? ये मिनिमम आप 6 बॉक्स मंगा सकते हैं एक बार में। आपका स्टिचिंग डिपार्टमेंट देख लिया, किसी डिपार्टमेंट देख लिया, आपका वेयरहाउस देख लिया, अब हमारे जो व्यूअर्स को आप कुछ सैंपल बताइए। कुछ सैंपल मैं स्टार्ट करता हूँ आपको लाइकरा से। अच्छा, जैसे कि ये देखो, ये एक इम्पोर्टेड में पीस है। इम्पोर्टेड पीस है ये? इम्पोर्टेड में है, तो कोई लाइकरा है पूरा ऐसा? तो जो आपने देखा स्टिचिंग, मैं आपको बहुत बारीकी से दिखा रहा हूँ कि स्टिचिंग कैसी है इनकी। बटन देख लीजिए आप, मेरे वीडियो पे आप मत जाइए, एक बार आप विजिट कीजिए इनका यूनिट, जो कि फैक्ट्री यूनिट है भिवंडी में। आपको नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आइए। ओके, हाँ, और इसकी जो पैकिंग आती है समझो, सर ये चीज का, ये बताइए ये चीज का, ये आड़ा पट्टा है, इसमें ये 6 कलर ऐसे इस तरीके से हम लगाते हैं इसमें। अच्छा, इसके ऊपर रेट लिखे हुए हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन यूजर के रेट अलग है और ऑनलाइन यूजर के, मतलब एमआरपी आपको ये लिख के मिलेगी और इसका जो होलसेल प्राइस आपको ये लिखेगा। यस, ओके, ये कपड़ा देखिए। हाँ, ये कपड़ा भी एकदम ठीक है, कपड़ा बहुत ज्यादा है, कपड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा, बताइए बताइए बताइए। ओके, ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी प्रिंट है, और इसकी जो पैकिंग जहां तक आती है इसमें। अच्छा? हम तीन तरीके से पैकिंग करते हैं इसको। तीन पैकिंग? थ्री टाइप्स की पैकिंग है टोटल। Okay. एक पैकिंग है ऐसा इंपोर्टेड पैकिंग बोलते हैं हम इसको, पन्नी पैकिंग। अच्छा, पन्नी पैकिंग विद आपके नाम से? हाँ, आपका ये नाम है, रजिस्टर्ड ब्रांड, राइट? यस, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है पूरा। ओके, फिर इसके बाद एक पैकिंग आती है ऐसा रोल पैकिंग, जो कैजुअल में रोल पैक, और एक आती है ऐसा इंपोर्टेड पैकिंग है। ये जो व्हाइट का माल, जो चाइना का फैब्रिक आता है व्हाइट का, उसमें मेरे पास 30 से 40 वैरायटी है, तो उसकी पूरी पैकिंग इसमें आएगी। ओके, प्रीमियम एकदम। अच्छा, हाँ, फिर इसके बाद एक इस प्रकार का भी पैकिंग है। ओके, ये देखिए, मतलब आपको जिस तरह पैकिंग चाहिए वैसे तो पैकिंग मिल जाएगी। हाँ, वैसे रोल चाहिए, पन्नी पैक चाहिए, बॉक्स पैक चाहिए, या आपको लूज में चाहिए, जैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। तो सर बताइए आपका जो ये स्टिचिंग का पूरी गारंटी है? यस, पूरी गारंटी है स्टिचिंग की, स्टिचिंग के बारे में आप निश्चिंत रहिए। सब वॉश्ड है? सब माल 100% वॉशिंग के साथ ही आता है, और ऑल ओवर पैन इंडिया हो जाएगा डिलीवर? पैन इंडिया पूरा डिलीवर हो जाएगा। और तो जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े होलसेलर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर है। आप अगर आपको इनका ब्रांड लेना तो वो ब्रांड भी ले सकते हैं मिस्टर लाले से, या तो अगर आपको एफओबी करवाने मेक टू ऑर्डर लेना तो वो भी ले सकते हैं। और उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी 500 पीस की होगी,
कलर मिक्स हो गए, पैटर्न मिक्स हो गए, डिजाइन मिक्स होगी, साइज मिक्स होंगे, पर 500 पीस आपको लेने रहेंगे, राइट सर? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आखिरी में अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, एक बार विजिट करने के लिए? सिर्फ आप विजिट कीजिए, हमारा जो गोडाउन है वो भिवंडी जस्ट स्टेशन के बाजू में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, दापोदा रोड पे है। आप जब भी आएंगे तो आपको वेलकम है, आप मुझे फोन कर सकते हैं पर्सनल नंबर पे। यस, तो अमरूद सर आपने अपनी पूरी यूनिट दिखाया, स्टेशन दिखाया, किस तरह से आप कस्टमर से डील करेंगे वो बताया, और मुझे मौका दिया वीडियो बनाने का आपका, भिवंडी के अंदर जो कि सबसे बड़ा शर्ट का और शर्ट शूटिंग का बहुत बड़ा हब है। यस, बराबर बराबर। और मुझे मौका दिया आपको वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच।